फेसबुक पर रिएक्शन वीडियो बनाए और वायरल हो जाए भाई साहब। अगर आप फेसबुक पेज पे काम करते हो या प्रोफाइल पे काम करते हो, क्रिएटर हो, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए भाई, क्योंकि कभी ना कभी आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी भाई, रिएक्शन वीडियो बनाना सेफ है क्या? फेसबुक पेज पे प्रोफाइल पे अगर हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो क्या हमारा पेज प्रोफाइल मोनेटाइज होगा? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई अनओरिजिनल कंटेंट तो नहीं आएगा? कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन तो नहीं आएगा? कुछ ऐसा कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगा? कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जिससे हमारा पेज प्रोफाइल खराब ना हो जाए? तो भाई पहले तो मैं उस भाई को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को ये आइडिया दिया है भाई, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बोला भाई इस टॉपिक की वीडियो बनाओ। बहुत लोगों के दिमाग में एक शंका रहता है, शंका बोले तो एक डाउट सा रहता है कि भाई क्या हम रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं, अगर बनाएंगे तो मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा? सारी चीज विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको भाई, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से भाई साहब, सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो भाग लेते हो भाई साहब, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं भाई साहब। पहली बात, जो पहला सवाल आप लोगों का रहता है भाई, क्या हम रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं? बिल्कुल ही बना सकते हो रिएक्शन वीडियो। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, क्लिप्स, अगर क्लिप्स हो सके तो क्लिप्स भी दिखा दूंगा आप लोगों को भाई, तो टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट देखना, वो भी देख लेना पहले। हाँ, आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो भाई, रिएक्शन वीडियो बनाना कोई भी दिक्कत नहीं है, फेसबुक पे आराम से बना सकते हो। बट आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि जो रिएक्शन वीडियो आप ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, उससे मतलब नहीं है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ना चल रहा हो, ये ध्यान देना। बहुत लोग ध्यान नहीं देते और बहुत लोग बताएंगे भी नहीं आपको, क्योंकि उनको तो आपको लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाना है फेसबुक से, फेसबुक पे ये कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, फलाना कर लो, वो तो बता देंगे, लेकिन रिएक्शन वीडियो बनाना कैसे ये कोई नहीं बताएगा। तो भाई ऐसी वीडियो लो जिसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ना लगा हो, समझ रहे हो ना? और खास करके कॉमेडी वीडियो, अगर आपको देखो मैं बताता हूँ क्यों, कॉमेडी वीडियो आप लेते हो ना तो कुछ ऐसी वीडियो लो जिसमें वीडियो में ही आदमी समझ जाए कि करना क्या चाहता है बंदा। समझदार लोग को इशारा काफी है भाई, मेरी वीडियो वही समझ सकता है जो इंटेलेक्चुअल टाइप का बंदा है। आपको वही वीडियो उठानी है, उस पर रिएक्शन देना है जिसपे गाने वाने ना बज रहे हो, कोई ऐसा बैकग्राउंड साउंड ना बज रहा हो, और उसको देख के ही बंदे को हंसी आ जाए। और मैं ऐसा नहीं बोलता कि कॉमेडी पे ही आप दो भाई, बहुत सारे बहुत ज्यादा वो है, कुकिंग पे दे सकते हो भाई, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के खाने बनते हैं भाई साहब, कहीं मीट अच्छा बनता है, कहीं मुर्गा अच्छा बनता है, कहीं पे आपका मसाला डोसा अच्छा बनता है, कहीं पे आपका कुछ अच्छा बन रहा है बहुत, और कई टाइप के वियर्ड भी स्ट्रीट फूड भी मिलते हैं आपको, वियर्ड बोले तो अजीबोगरीब के स्ट्रीट फूड मिलते हैं, आप उस पर भी दे सकते हो रिएक्शन, सही है कि नहीं? दे सकते हो ना। हाँ, अभी आपको मैं रेशो बताऊंगा कैसे देना है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, पहले सुनते रहो बात को, उस पर दे सकते हो भाई। और अगर आपको रिएक्शन देना है भाई साहब, अगर आप देना चाहते हो तो आप ब्लॉगिंग पे भी दे सकते हो आज की डेट में। कई लोग मेरे को सवाल पूछते हैं भाई कि क्या हम क्रिकेट पे दे सकते हैं क्या, क्रिकेट वाली वीडियो पे? कभी मत देना भैया, आईपीएल आने वाला है, आप लोग के दिमाग में जरूर एक खुरापात आएगी कि आईपीएल आने वाला है, आईपीएल की वीडियो पे रिएक्शन देंगे, भाई मत देना, बिल्कुल ही सक्सेस नहीं होगे, तुरंत ही कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन आ जाएगा। कई लोग मुझसे बोलते हैं भाई WWE की वीडियो पे हम दे सकते हैं क्या, बिल्कुल मत देना, कोशिश भी मत करना, और ऐसा अगर सोच रहे हो तो अभी अपना प्लान ड्रॉप कर दो भाई। नहीं, हाँ आप क्रिएटर्स की वीडियो पे रिएक्शन दे सकते हो। अब क्रिएटर डिपेंड करता है कैसा क्रिएटर है, किस क्रिएटर की वीडियो पे आप रिएक्शन दे रहे हो, उससे दिक्कत नहीं होगी, उससे उस क्रिएटर का ही प्रचार होगा भाई, और प्रोबेबली चांस ये है, जैसे कि ज्यादा चांस ये है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारेगा, वो भी चाहता है कि लोग उसको जाने भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पे कोई रिएक्शन दे, ठीक है, आप देना चाहते हो तो आप भी दे सकते हो भाई। तो रिएक्शन वीडियो बनाना कोई भी दिक्कत नहीं है, मोनेटाइज होता है बकायदे, और कोशिश करो लॉन्ग वीडियो बनाने की भाई। अब आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे अगल बगल में, भाई ने बनाया है और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ भाई। और सुनो, एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को और दिखेगा जहां पे भाई के 2.5 मिलियन के लगभग व्यूज आए हुए हैं भाई, 2.5 मिलियन के लगभग व्यूज आ रखे हैं। और अगर यही भाई, ये कॉपी पेस्ट किया हुआ भाई ने, अगर यही भाई इसी वीडियो पे रिएक्शन दे दिए होते तो शायद इनका ये जो वीडियो था वो इनका होता, लेकिन इनका अभी नहीं है वीडियो, अभी तो वो कॉपी पेस्ट में ही गिना जाएगा। आप लोग समझ रहे हो ना बात को, कॉपी पेस्ट का मतलब आपने सुच्ची वीडियो उठाई, सुच्चा रील उठाया कहीं से और सुच्चा आपने पेस्ट कर दिया अपने पेज पे, प्रोफाइल पे, कहीं पे भी, ये नहीं करना आपको, समझ रहे हो। और एक चीज और ध्यान देना भाई, रिएक्शन देते समय हमेशा टेक्स्ट का यूज करो, जैसा कि स्क्रीनशॉट में देख रहे होगे आप लोग, टेक्स्ट का, इमोजीज का यूज करो भाई, इससे ये होता है कि आपने उसमें मेहनत करी है, आपने उसमें ह्यूज एडिटिंग करी, इसी को ह्यूज एडिटिंग बोलते हैं भाई। आपके दिमाग में कई लोगों ने ना, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बोला था कि ह्यूज एडिटिंग करनी है, अभी क्या है ना बंदे उस चीज को बार बार सुन रहे हो, मेरे को दिखता ना, जैसे आप अपने YT स्टूडियो में जाओगे ना तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी किस चीज को ज्यादा बेस्ट मोमेंट मिला हुआ है, मतलब मोमेंट होता ना वीडियो का, बेस्ट मोमेंट होता है, तो बंदों ने सिर्फ उतनी लाइन को सुना हुआ है। ह्यूज एडिटिंग का मतलब यही है, आप रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है, आपने उस पर टेक्स्ट लगा दिए, आपने उस पर इमोजीज लगा दी, आपने वीडियो शुरू होने से पहले 15 सेकंड उस वीडियो के बारे में बता दिया, 15 नहीं बता सकते, 10 सेकंड तो बता सकते हो कि भाई वीडियो में ये होने वाला है, और आओ चलो मिलके हम लोग वीडियो को एंजॉय करते हैं, भूत की तरह नहीं बैठना है भाई कि वीडियो चल रहा है और हम भूत की तरह से बैठ के मजे ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो वीडियो आप उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हो भाई ना,
उससे आपका पेज प्रोफाइल तो बर्बाद हो ही रहा है, आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8-8 महीने आपके बर्बाद हो जा रहे हैं भाई। और इसी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हो, उससे आपका पेज भी मोनेटाइज हो रहा है, आपका प्रोफाइल भी मोनेटाइज हो रहा है, आपका रील भी मोनेटाइज हो रहा है, आपका इनस्ट्रीम एड भी मोनेटाइज हो रहा है भाई। तो दिक्कत क्या है, है? आपको कई सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे भाई, देख लेना। अगर मेरे को क्लिप्स लगाने की, वैसे नहीं लगाना चाहिए भाई, किसी का क्लिप नहीं लगाना चाहिए, मैं वैसे ही दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, आप स्क्रीनशॉट देख लो। वहीं पे एक भाई के 2.5 मिलियन है, वहीं पे ये भाई इतने जबरदस्त वीडियो बना रहा है भाई, ये इतने जबरदस्त, मेरे को खुद अच्छा लगा। मैं जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता, रिएक्शन वीडियो बनाने के तरीके बहुत होते हैं, बट बंदे ने भाई वाकई में दिल जीत लिया है। और खास करके जो बना रहा है ये भाई अपना, थोड़े धार्मिक तरीके वाले रिएक्शन वीडियोज हैं ये, तो अच्छा है, कोई बात नहीं, हर एक किसी भी चीज पे बना सकते हो भाई, समझ रहे हो ना, रिएक्शन ही तो देना है। हंसो मुस्कुराओ, अपना ओपिनियन दो कि हाँ भाई ये वीडियो तो अच्छी थी, आप लोगों को भी ऐसे काम करना चाहिए, सिंपल है। और वायरल होना बहुत बड़ी बात नहीं है फेसबुक पर, एक वीडियो निकल गई ना आपकी रिएक्शन वीडियो, रिएक्शन में बस एक ये फायदा मिलेगा आपको कि वीडियो आपकी होगी, वो याद रखना इस बात को, कॉपी पेस्ट सुच्चा कर दोगे बेकार हो जाएगा पेज प्रोफाइल भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कुछ सीखना हो, कुछ आपको कुछ ज्ञान वान मतलब सलाह वाला चाहिए, एडवाइस चाहिए, आप मुझे पे कर सकते हो भाई, और मैं आपको तुरंत कंसल्ट करूंगा, आपसे बात करूंगा, कंसल्टेशन चार्ज समझ लो उसको भाई साहब, और आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी से ही आना भाई, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अपनी मर्जी से ही आप आइए, आकर अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, समझ रहे हो भैया, आप भी सुन लो भाई, जिसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था तो ना करें, आपको यहाँ पे साफ साफ सूचित किया जाता है भाई, आपको साफ साफ मेरे द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर आपको दिक्कत है तो बिल्कुल भी ना करें, आप कमेंट कर दें, मैं कमेंट में आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है भैया, नमस्कार, जय हिंद।